हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सूचना आ रही है। वो सूचना है आरआरबी कोलकाता के वेबसाइट पे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरी लाना है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। ये क्या है, टेस्टिमोनियल या एफिडेविट लाना है। किसके लिए, जब आपको मदर वेरिफिकेशन कराना है, नेम के वेरिफिकेशन कराना है उसके रिगार्डिंग। तो ये ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे आया हुआ है, जिसको देख लेते हैं। तो इस वेबसाइट पे आइएगा तो डेट आप देख लीजिए, 1/18 सेंट्रलाइज नोटिस नंबर डेट 9/8/19 नोटिस फॉर टेस्टिमोनियल फॉर मदर नेम वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा इस नोटिस में कि इन्होंने कहा है कि नोटिस फॉर टेस्टिमोनियल फॉर मदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर से लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कह रहा है कि इट इज़ सीन डैट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आर कमिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विदाउट ब्रिंगिंग एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ और वेरीफाई मदर नेम। अपने मदर नेम के वेरीफाई करने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल खाली हाथ आ रहे हैं। दिस वाज ऑलरेडी इनिशिएटेड टू ऑल ऑफ कैंडिडेट रिगार्डिंग टेस्टिमोनियल ब्राउट ड्यूरिंग दी डीवी। हमने नोटिस दिया था कि आप लेके आए हैं, फिर भी नहीं लोग आ रहे हैं। उनके लिए आवश्यक सूचना है कि कैंडिडेट आर कमिंग फॉर डीवी आर अगेन एडवाइज टू ब्रिंग ए लिस्ट वन डॉक्यूमेंट इंडिकेट मदर नेम। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। शुड बी प्रोड्यूस एन एफिडेविट एंड रिगार्ड। एक तो नाम आपको ले जाना है, कोई अगर डॉक्यूमेंट में इंडिकेट है, अगर वैसा नहीं है तो आप एक क्या ले जाएंगे, एफिडेविट उसके रिगार्डिंग ले जाएंगे कि मदर नेम ये है ऐसा बना के, जैसा आपका मिस्टेक के लिए बनाया होगा। तो एनी कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विदाउट एनी टेस्टिमोनियल टू प्रूव मदर नेम विल नॉट बी अलाउड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा आरआरबी का कहना है। कुछ लोग बाद में बोलते हैं कि आप डराते हो, तो ये मेरा कहना नहीं है दोस्त, ये आरआरबी का कहना है। ये डिटेल है, थोड़ी सी डिटेल है। तो जो कैंडिडेट अभी जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो एक प्रूफ कम से कम लेके जरूर जाए। थैंक यू, धन्यवाद।